Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Career Power Lucknow. I, Rishabh Pandey, your instructor of English, welcomes you all in the session of Verb. Friends, today we are going to discuss something related to Verb. Every time when we study this topic, we are confused where it is used, what purpose it has, and which is helping verb and which is main verb. So today, I am going to give you a complete analysis of Verb, in which I am sure after watching this complete session, you will be able to predict whether you are using helping verb or you are using main verb. So my friends, verb classify kisme kiya jata hai? सबसे पहले अगर हम verb के classification की बात करते हैं, तो verb हमारा classify किया जाता है दो parts में. एक part होता है finite verb और एक part होता है non-finite verb. अब क्या डिफरेंस होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि तो पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब हमारा चेंज हो रहा है तो वो क्या है? फाइनाइट वर्ब. जैसे अगर हम एग्जाम्पल आपको दें इसका फाइनाइट वर्ब का, ही गोज, और अगर दे लिखे तो दे के लिए क्या हो जाएगा? गो. अगर हम गौर करें, यहां पर गोज था और यहां पर गो हो गया. ये सिंगुलर था. जिनको ना पता उनको बता दें, वर्ब में जब एस या ई एस जुड़ता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर. और अगर वर्ब में एस या ई एस नहीं होता तो वो होता है प्लूरल. और ये क्या था? प्लूरल. अब गौर करो, ही क्या था? सब्जेक्ट था. और सब्जेक्ट के तौर पे क्या था? प्रोनाउन. और प्रोनाउन के तौर पे क्या था? सिंगुलर. सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या अलग नहीं थी उसके साथ? सिंगुलर. और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जब उसमें एस या ई एस लगाओ. दे क्या था? ये भी सब्जेक्ट था. और ये सब्जेक्ट के तौर पर क्या था? प्रोनाउन. ये भी प्रोनाउन था. और प्रोनाउन के तौर पर यह क्या था? प्लूरल. अब प्लूरल था तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी? प्लूरल होनी चाहिए थी. अब प्लूरल वर्ब में एस या ई एस लगा नहीं होता तो ये क्या था? प्लूरल. यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब. क्लियर. अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? बेटा जैसा कि नाम बता रहा है, नॉन फाइनाइट मतलब ये वर्ब चेंज नहीं होती. दीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अब ये चेंज नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अलग काम कर रही होंगी. पता ही अलग काम क्या करती है? दीज आर जनरली नोन एज स्पेशल वर्ब्स. स्पेशल वर्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वर्ब वर्ब ना होकर कुछ और काम भी करती है. जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पार्टिसिपल की. पार्टिसिपल बेटा किसका काम करता है? एडजेक्टिव का. नॉन फाइनाइट का पहला फॉर्म. फिर दूसरा फॉर्म होता है नॉन फाइनाइट का क्या? जेरेंड. ये काम करता है किसका? नाउन का. फिर तीसरा फॉर्म होता है इन्फिनिटिव. ये काम करता है वर्ब और नाउन दोनों का. यानी कि अगर गौर किया जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है दीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. क्यों नहीं होती? भाई जब वर्ब होगी तभी ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी. बट दीज आर स्पेशल. दे वर्ब का काम ही नहीं करती. पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, जेरेंड काम करता है नाउन का, इन्फिनिटिव काम करता है वर्ब और नाउन दोनों का. तो कहाँ से चेंज होगा? चेंज ही नहीं होगा. इज इट क्लियर? नाउ फर्दर इफ यू मूव टू नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इट्स क्लासिफिकेशन. यहाँ से आपको इतना तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है. अभी हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब के क्लासिफिकेशन में. फाइनाइट वर्ब को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में. पहला पार्ट होता है मेन वर्ब और दूसरा पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब. पहला पार्ट क्या होता है? मेन वर्ब. और दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब. अब बेटा मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो हमारी एक्शन दिखाते हैं. एक्शन वर्ब्स, एक्शन सर्टिफाई करने वाले वर्ब्स ही हमारे क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब. सपोज अगर इसका एग्जांपल हम दें मेन वर्ब का,
एक एग्जांपल दिया, ही प्लेज, और एक एग्जांपल दिया ही इज प्लेइंग। अगर दोनों एग्जांपल में हम गौर करें, ही प्लेज का मतलब क्या है? वह खेलता है, वह खेलता है कि अगर हम बात करें तो खेलता है में वर्ब क्या है? खेलना। अगर तुम में से काफ़ी बैठे होगे जो यूपी बोर्ड में पढ़े हो, तो बेटा हिंदी मीडियम वालों तुमको पढ़ाया जाता है कि जिनकी एंडिंग में क्या आता है, ना, नी, ने, ये क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं, ना, नी, ने की एंडिंग। तो ये ना, नी की एंड, ना, नी, ने की एंडिंग वाले क्या हो जाते हैं? मेन वर्ब। अब देखो खेलना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अगर हम बोलें मैं चल रहा हूँ, एक्शन क्या हो गया? चलना। चलना भी क्या हो गया? मेन वर्ब। मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या हो गया? मेन वर्ब। मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या हो गया? मेन वर्ब। ना, नी, ने की एंडिंग क्या हो जाती है? मेन वर्ब। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब देख रहे हो, तो देखना, ना रहे, ना, तो ये भी क्या हो गया? मेन वर्ब। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि ये मेन वर्ब्स होते हैं, इन मेन वर्ब्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा उस पर चलते हैं, मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन और फॉर्म पे। तो बेटा सबसे पहले अगर मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन किया जाए, तो मेन वर्ब को क्लासिफाई, यानी कि हमारे एक्शन वर्ब्स को क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। और ये किस बेसिस पे किया जाता है पता है? ये किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रिक्वायर्ड होता है। इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसको केवल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। अब फिर से बोल रहा हूँ, मेन वर्ब को किस में क्लासिफाई किया जाता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को और क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। मेन वर्ब को किस में क्लासिफाई किया जाता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बेसिस क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि बेसिक सिंटेक्स तुम लोगों को याद होगा, हमने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो कि हमारा डूअर होता है, परफॉर्म करता है एक्शन को। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है। और एक्शन क्या होती है? वर्ब। और ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये एक्शन को रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, तब तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये हो जाता है इंट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल दें, एक एग्जांपल दिया बर्ड्स फ्लाई और एक एग्जांपल दिया आई फ्लाई काइट। एक एग्जांपल क्या दिया? बर्ड्स फ्लाई। और एक एग्जांपल क्या दिया? आई फ्लाई काइट। अब देखो दोनों जगह वर्ब क्या है? फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई में ऑब्जेक्ट है? नहीं। लेकिन आई फ्लाई काइट में ऑब्जेक्ट क्या है? काइट। क्योंकि ये तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर केवल बर्ड्स सब्जेक्ट था और फ्लाई वर्ब थी, ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट था कहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अगर हम बात करें ये वाला क्या था? ये वाला था इंट्रांजिटिव और ये वाला क्या था? ट्रांजिटिव। अब बेटा तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन आ रही होगी, कह रहे हो कि सर आपको तो पता है बर्ड्स फ्लाई इंट्रांजिटिव हो गया, आई फ्लाई का ही ट्रांजिटिव, एक जगह फ्लाई ट्रांजिटिव, एक जगह फ्लाई ट्रांजिटिव और एक जगह फ्लाई इंट्रांजिटिव। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम क्या करें? हम कैसे पहचाने कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? तो बेटा आज तुम्हें बता रहे हाउ टू डिफाइन ट्रांजिटिव एंड हाउ टू डिफाइन इंट्रांजिटिव। गौर से सुनना, एक सिंपल सा लॉजिक है। एक क्वेश्चन होता है वॉट और एक क्वेश्चन होता है हुम। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जांपल में तुम इन दोनों क्वेश्चन को पूछना, अगर इनमें से एक का भी रिप्लाई मिल जाए तो समझ जाना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। अगर इनमें से एक का भी रिप्लाई ना मिले तो समझ जाना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर हम तुमको एक और एग्जांपल दें, आई
taught English. अगर देखो I क्या है, subject है, taught क्या है, verb, और English क्या हो गया, object. अगर गौर करो तो English तुमको किस question का जवाब दे रहा है, what मतलब क्या. I taught what, मैंने क्या पढ़ाया, I taught what, what का जवाब मिला, यानी कि object है या नहीं है. फिर एक और दे, I taught you, you क्या है, ये भी तो object पढ़ रहा है, क्योंकि I तो subject था, taught verb था, और you object, क्यों you object, क्योंकि ये किसका जब reply दे रहा है, whom, whom मतलब किसका, किसको पढ़ाया. हाँ या ना, I taught you, I taught whom, किसको पढ़ाया, तो whom का reply मिला, यानी कि what या whom का reply मिलता है, तो वहाँ पर object होता है. अब एक और extra चीज, अगर इन दोनों sentences को merge कर दें, I taught English और I taught you को merge कर दें, तब जो sentence एक नया हमें दिखाई देता है, वो नया sentence क्या है, I taught English to you. इसको लिखने का एक और तरीका होता है, I taught you English. अब अगर गौर किया जाए, I क्या हो गया, subject, taught क्या हो गया, verb, English क्या हो गया, object. और इंग्लिश किस सवाल का जवाब मिल रहा है, व्हाट. टू क्या हो गया, प्रपोजिशन, और यू भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है, हूम. अब देखो दोनों जगह ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं. बेटा जो व्हाट का जवाब देता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हूम का जवाब देता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है. तो ऑब्जेक्ट भी कितने होते हैं, दो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो व्हाट का जवाब देता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का जवाब देता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब इतने पोर्शन का अगर हम वापस से रिवीजन करें कि हमने क्या क्या पढ़ा, इस रिवीजन से हमें एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि अभी इतनी देर की क्लास में हमने क्या क्या सीखा. सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि वर्ब का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में था, पहला पॉइंट. वर्ब का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में था, वो दो पार्ट कौन से थे, एक पार्ट था फाइनाइट और एक पार्ट था नॉन फाइनाइट. फिर सेकेंड पॉइंट क्या था, फाइनाइट के बारे में कि फाइनाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नॉन फाइनाइट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. क्लियर. फिर थर्ड पॉइंट व्हाट वी स्टडीड वाज कि फाइनाइट के क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फाइनाइट के क्लासिफिकेशन में फिर दो पार्ट होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. फिर फोर्थ पॉइंट था मेन वर्ब हमारा क्या डिफाइन करता है, मेन वर्ब हमारा डिफाइन करता है किसको, एक्शन को. हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे लिए बेटा वो एक्शन सर्टिफाई करने वाला क्या था, ना, नी और ने. फिर फिफ्थ पॉइंट था हमारा मेन वर्ब फर्दर क्लासिफाई होता है कितने पार्ट में, दो पार्ट में. वो दो पार्ट क्या थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इतना पॉइंट सबका रिवाइज हो गया है. अगर इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एक स्क्रीनशॉट ले लो, यू विल गेट ऑल द थिंग्स लेटर ऑन. ठीक है, ले लिया, आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ फिफ्थ पॉइंट को मूव करते हुए सिक्स पॉइंट पर जाते हैं. एंड व्हाट वाज आवर सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट था ट्रांजिटिव का क्या होता है,
ट्रांजिटिव वो होता है जिसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। सेवन पॉइंट, इंट्रांजिटिव क्या होता है? जिसको केवल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। नाउ पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर एट, सॉरी, व्हाट इज पॉइंट नंबर एट? पॉइंट नंबर एट था हाउ टू चेक रिक्वायरमेंट, हाउ टू चेक द रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए दो क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन था व्हाट और एक क्वेश्चन था हुम। अगर इन व्हाट या हुम में से एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है, मतलब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। हाउ टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक का भी रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का या हुम का, व्हाट की हिंदी क्या हो गई? क्या? और हुम की हिंदी क्या हो गई? किसको। इनमें से एक का भी रिप्लाई मिल जाए, समझ जाना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। और अगर नहीं मिलता तो समझ जाना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। देन पॉइंट नंबर नाइन, पॉइंट नंबर नाइन है बेटा, व्हाट का रिप्लाई जो ऑब्जेक्ट देगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर नाइन हुम, हुम सॉरी पॉइंट नंबर टेन हुम, हुम का रिप्लाई जो देगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस वॉज द कंप्लीट सेशन एनालिसिस। आज जो हमने पढ़ा 10 पॉइंट, इन 10 पॉइंट पर अब हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे अभी। इज इट क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा। क्लियर? पिछले पॉइंट्स थे वहां पर और ये 10-5 पॉइंट्स यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। सो वी आर हियर विद सम क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चन बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम तुमको कुछ एडवांस क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो तुम बहुत ज्यादा गलत करते हो। ठीक है, तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन वी विल जस्ट एनालाइज कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, सॉरी। ठीक है, इफ आई से आई, आई क्या है बेटा? यहाँ पर सब्जेक्ट है, हाँ या ना? व्हाट इज आई? आई सब्जेक्ट। रीड क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, अब देखो, आई रेड, आई रेड व्हाट? मैंने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा? मैंने बुक पढ़ी। तो ये किसका जवाब मिला हमको? व्हाट का जवाब मिला। व्हाट का जवाब मिला मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और एक बात और पक्की हो गई कि ऑब्जेक्ट तो रिक्वायर्ड था भाई। पहली बात तो यही पक्की हुई कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड कैसे पता चला? क्योंकि मैंने क्या बताया था बेटा? दो क्वेश्चन मारना। कौन कौन से मारना? फेंक के मारना उस पर। दो क्वेश्चन कौन कौन से? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पता लगाएंगे बाद में, पहले तुम पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं। और उस ऑब्जेक्ट पता लगाने के दो क्वेश्चन फेंक के मारेंगे, कौन कौन से? एक व्हाट और दूसरा होम। अगर व्हाट से हमारा जवाब पलट के वापस आ गया, हाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? डायरेक्ट। होम से पलट के आया तो मतलब कौन सा चाहिए? फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सा? इनडायरेक्ट। क्लियर? तो ये कौन सा था? डायरेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ही फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट। रीड्स फिर से क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, गौर किया, यहाँ भी रीड था, यहाँ भी रीड था। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग रेड था, ही के अकॉर्डिंग रीड्स था, वो तो क्लियर है। अच्छा, देखो एक बात और, अभी जो जो पढ़ा वो एनालाइज करते हैं। आई के अकॉर्डिंग रीड था क्योंकि आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है प्रेजेंट टेंस में। ही के अकॉर्डिंग रीड्स था क्योंकि ये क्या देता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। याद है क्या पढ़ाया था बेटा? कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, चेंज हो रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, दूसरी बात, दोनों मेन वर्ब है क्योंकि दोनों में अगर देखो वह पढ़ता है, हिंदी लाओगे तो क्या है? पढ़ना, नानी ने, मेन वर्ब, एक्शन आ रहा है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, दो क्वेश्चन बोले थे व्हाट और हुम, यहाँ पर व्हाट अप्लाई हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट क्या था? बुक। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? लाउडली तो बेटा एडवर्ब हो गया। कैसे पढ़ता है? ही रीड्स लाउडली। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? व्हाट या हुम? कोई क्वेश्चन हुआ, ही रीड्स लाउडली, व्हाट अप्लाई हुआ? हुम अप्लाई हुआ? नहीं, यानी कि दोनों में से कोई अप्लाई नहीं हुआ।
तो ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रीड्स कैसा वर्ब हुआ यहाँ पर? इनट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं था, और यहाँ का रीड क्या था? ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था। फिर से आता नीचे, वी क्या है? सब्जेक्ट। डिस्कस्ड क्या है? वर्ब। अब ये इनट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, इसको हम तय करेंगे अभी बाद में। वी डिस्कस्ड व्हाट, क्या का जवाब मिला? वी डिस्कस व्हाट। विद क्या है? प्रेपोजिशन। विद हुम, किससे, हाँ या ना? ये हुम का जवाब मिल रहा है कि नहीं? तो व्हाट का जवाब मिल रहा है तो कौन सा ऑब्जेक्ट था? डायरेक्ट। हुम का जवाब मिल रहा है तो कौन सा है? इनडायरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो राइट नाउ वी डिस्कस सम नॉर्मल क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, वी आर हियर विद सम एडवांस्ड क्वेश्चन। व्हाई एडवांस्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू। बेटा सबसे पहले बात करते हैं राइट की। अच्छा एक बात बताओ, राइट को जब भी तुमने बोला है तो अगर हम एक सेंटेंस के तौर पर करें तो दो तौर पर बोलते हो, आई रोट अ लेटर टू हिम, आई रोट हिम अ लेटर। अब अगर हम तुमसे पूछे विच वन इज राइट, तो कहते हो सर दोनों ही तो सही हैं अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात बताएं ना, बेटा ये तो गलत है, ऊपर वाला ही सही है। क्यों? रीजन के साथ। आई क्या है? चलो एनालिसिस करते हैं। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। रोट क्या है? वर्ब। ठीक है, आई रोट, मैंने लिखा। अब ये बताओ मैंने लिखा तो क्या मैं बंदे को लिखूंगा या लेटर लिखूंगा? आई यहाँ भी देखो सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है। आई रोट अ लेटर, मतलब लेटर लिखा या बंदे को लिखा? हमें ये बताओ, बंदे को लिखते हो या लेटर लिखते हो? लेटर लिखते हो ना। तो आई रोट अ लेटर, किसको लिखा? टू हिम। ये रिप्लाई किसका दे रहा था? व्हाट। और ये रिप्लाई किसका दे रहा था? हुम। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब कैसी थी? ट्रांजिटिव। और सेंटेंस कौन सा सही था? पहला वाला। क्यों पहला वाला सही था? क्योंकि सही एक्शन, रोट एक्शन किस पर अप्लाई होता है? लेटर पर, ना कि वर्ब पर। तो इस चीज को याद रखना आगे से यूज करते समय, कभी ये ना कहना आई रोट हिम अ लेटर, कहना आई रोट अ लेटर टू हिम। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड पर आते हैं। अगला क्या है? आई एक्सप्लेन। आई एक्सप्लेन्ड हिम द कॉन्सेप्ट, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू हिम। अब बताओ एक्सप्लेन क्या किया? एक्सप्लेन करते क्या हो? बंदे को एक्सप्लेन करोगे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे? कॉन्सेप्ट को। तो यानी कि अप्लाई किस पर होनी चाहिए एक्सप्लेन वर्ब? कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होनी चाहिए या हिम पर अप्लाई होना चाहिए? तो फिर से जवाब वही आता है, कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होनी चाहिए। आई क्या था दोनों जगह? सब्जेक्ट। एक्सप्लेन्ड क्या थी? वर्ब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या पड़ जाता? हिम। और यहाँ पर क्या पड़ जाता? कॉन्सेप्ट। और सही पूछो तो एक्सप्लेन क्या किया जाता है? कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि सेंटेंस कौन सा सही है, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला? तो आंसर है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला क्या है? गलत। फिर से कंप्लीट एनालिसिस किया जाए। आई एक्सप्लेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। आई एक्सप्लेन व्हाट, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा? व्हाट का जवाब मिल रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन। किसको, और किसको मतलब किसका जवाब मिल रहा है? हुम। और हुम का जवाब देने वाला वो कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर लास्ट वाले पे आते हैं, आस्क पे। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा। मैं सवाल से पूछूंगा या बंदे से पूछूंगा? आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा मैंने उसे? फ्यू क्वेश्चंस। आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, तुम सवाल से पूछोगे सवाल पूछोगे? तो सवाल पूछोगे ना, सवाल से तो पूछोगे नहीं। यानी कि थर्ड में कौन सा गलत? ये वाला। सही कौन सा? ये वाला। तो यहां से हमें समझ क्या आया? फिर से देखो, आई का एनालिसिस क्या है? सब्जेक्ट। यहां भी क्या है? सब्जेक्ट। आस्क क्या है? वर्ब। आस्क क्या है? वर्ब। फ्यू क्वेश्चंस वैसे तो गलत है, इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, इसका करेंगे। आई आस्क हिम, ये किसका जवाब मिला है? हुम, किसको पूछा? हिम। क्या पूछा? फ्यू क्वेश्चंस। ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट। यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद हमें ये भी समझ में आया कि हमारी नॉर्मल गलतियाँ किन में होती हैं। इन तीन वर्ड में अक्सर गलतियाँ करते हो, राइट, एक्सप्लेन और हिम।
आगे से कभी इन तीनों को यूज़ करना तो इतना ज़रूरी याद रखना कि तुम सही यूज़ कर रहे हो या गलत। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। जो व्हाट का जवाब दे डायरेक्ट और जो होम का जवाब दे वो इनडायरेक्ट। तीसरी बात, अगर व्हाट या होम दोनों में से किसी भी एक का रिप्लाई मिल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, मतलब वर्ब क्या है, ट्रांसलेटिव। अगर एक का भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है और वो सॉरी वर्ब क्या है, इनट्रांसलेटिव। क्लियर? सो हेयर आई एंड दिस सेशन, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसका एनालिसिस पूरा बाकी है। वी आर गिविंग यू इन पार्ट्स। पार्ट वन क्लियर हो गया, नेक्स्ट सेशन विल कम विद पार्ट टू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लिटरली हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, वी वेट डेस्परेटली फॉर योर कमेंट्स। डू कमेंट वेदर यू लाइक दिस और नॉट, पसंद आया नहीं पसंद आया, क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपना टॉपिक बताओ। इफ़ यू वॉन्ट सम सजेशन, सम टॉपिक्स विच शुड बी टोल्ड ओवर हेयर, आई विल टेल यू। डू पोस्ट योर कमेंट। थैंक यू।